बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमने सिंध प्रोविंस के बारे में पढ़ना है। कमीशन कौन कौन से सवाल यहाँ से पूछ सकता है वो सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सिंध जो है, ये मैप आपको सामने नज़र आ रहा है, पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा बाय पॉपुलेशन, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस बाय पॉपुलेशन आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा सूबा, और रकबे के लिहाज से बात करें तो तीसरा बड़ा सूबा जो है हमारे पास सिंध है। पहले नंबर पे रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे हमारे पास सिंध है। जबकि आबादी के लिहाज से पहले नंबर पे पंजाब है और दूसरे नंबर पे हमारे पास सिंध है, फिर केपी की और फिर बलूचिस्तान है। तो इसमें टोटल जो डिवीजन है बेटा वो 7 हैं और डिस्ट्रिक्ट जो है वो 30 हैं। इसमें 30 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 7 डिवीजन है। डिवीजन का ये मैप मैंने आपको दिखाया है, लाड़काना है, सक्कर है, नवाबशाह है, मीरपुर खास है, हैदराबाद है, कराची है और बंबोर है। तो 7 जो है ना जी हमारे पास यहाँ डिवीजन बन जाएंगी। एरिया जो बेटा इसका है, सिंध का जो एरिया है मैंने आपको बताया 1,40,914। अब होता क्या है, बच्चे इसे 914 को भी याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं याद करना होता। ये याद करेंगे तो जो पिछला 1,40,000 है ये भी भूल जाएगा। तो आपने सिंपली बस 1,40,000 याद रखना है, 1,40,000 या 41,000 कर ले, राउंड अबाउट कर ले। हमेशा ये राउंड अबाउट करके जब आप फिगर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। काफी सारा फर्क है बाकी सूबों के दरमियान में और इनके रकबे के दरमियान में। तो 1,40,000 स्क्वेयर किलोमीटर क्या है, ये रकबा है किसका, सिंध का। और इसकी जो पॉपुलेशन है आप देखिए इतना बड़ा फिगर है, जब आप गूगल करेंगे करने की जरूरत ही नहीं है। पहला फिगर क्या है हमारे पास, 5 करोड़ है, फिर हमारे पास 56 लाख है, तो ये कितना होगा, तकरीबन 5 करोड़ और 50 लाख। ये वाला फिगर याद रखिए, मतलब तकरीबन 5.5 करोड़ के करीब आबादी है किसकी, सिंध की। इस तरह से आप याद करें राउंड अबाउट करके, सारा फिगर याद करेंगे तो सारा भूल जाएगा, कभी भी नहीं याद होगा, मुझसे नहीं कभी याद हुआ। तो हमेशा राउंड अबाउट करके, बस सिंध की आबादी कितनी है जी, तकरीबन 5.5 करोड़ है, जस्ट इनफ। आगे चलते हैं जी, लिटरेसी रेट कितना है जी सिंध का, तकरीबन कुछ 56% 56% जो है लिटरेसी रेट है। कहीं पे 58 का रेफरेंस भी मिला है मुझे, लेकिन ज्यादा जो पाकिस्तान का जो स्टेटिक्स है उनके मुताबिक 56% मुझे मिला है, तो ये ज्यादा बेहतर है। 56% जो है सिंध का लिटरेसी रेट है। सबसे बड़ा जो सिटी है वो कराची है हमारे पास, कराची सिंध का सबसे बड़ा सिटी है, पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा सिटी कराची ही है। तो सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं इसे हम, रोशनियों का शहर। पहला कैपिटल था पाकिस्तान का, पहला कैपिटल कौन सा था, सिंध था। 1960 में अयूब खान साहब उठा के ले आए किधर, इस्लामाबाद में, राजशाही में ले आए, वहां से शिफ्ट कर दिया गया। तो इस तरह से ये भी सवाल बनता है कि पहला कैपिटल पाकिस्तान का कौन सा था, तो कराची था। उसके बाद जरा थोड़ा सा हम बॉर्डर्स के हवाले से देख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं। देखिए बेटा ये हमारे पास सिंध का मैप है, ये जो आपको नजर आ रहा है मैप ये वाली इधर, ये सारा बेटा इंडिया है हमारे पास, यहाँ सारे का सारा क्या है, इंडिया है। इंडियन यहाँ पे गुजरात है नीचे की तरफ, ऊपर राजस्थान है। तो मतलब ये है कि जब भी हम कोई मैप देखते हैं तो सामने हमेशा हमारे नॉर्थ होता है, बैक साइड पे साउथ होता है, ये वेस्ट, ये ईस्ट हो जाएगा, डब्ल्यू लिखते हैं ऐसे, डब्ल्यू से वेस्ट हो जाएगा। तो सिंध के ईस्टर्न साइड में हमारे पास क्या है, इंडिया है, ऊपर राजस्थान है, नीचे गुजरात है, ईस्ट में इंडिया है, नॉर्थ में यहाँ ऊपर पंजाब लगता है, यहाँ क्या लगता है, पंजाब लगता है, ऊपर नॉर्थ में क्या है, पंजाब है। वेस्टर्न साइड में ये वाली साइड देखेंगे तो इधर सारे का सारा बलूचिस्तान लगता है, ये सारा कौन सा सूबा लगता है, बलूचिस्तान लगता है। और यहाँ साउथ में क्या है जी, साउथ में यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या है, समंदर है हमारे पास, यहाँ क्या है, समंदर है, अरेबियन सी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अरेबियन सी कहते हैं। कोस्ट लाइन है, मतलब समुद्री हदूद हमारे यहाँ पे मौजूद है, समुद्री हदूद मतलब ये जो सूबा है लैंडलॉक्ड प्रोविंस नहीं है, इसे समंदर लगता है। तो जो हमारी टोटल कास्ट लाइन है वो तकरीबन 1,040 थी पहले, तो अब 1,058 हो गई है किलोमीटर जो हमारी कोस्ट लाइन है, समुद्री हदूद जो थी टोटल जो पाकिस्तान की है, उसमें से
तकरीबन 250 किलोमीटर के करीब जो है वो सिंध की कोस्ट लाइन है, मतलब बलूचिस्तान को समुंदर लगता है और सिंध को लगता है, ज्यादा बलूचिस्तान को ही लगता है, पूछता है ज्यादा किसे लगता है, सिंध को भी लगता है, लेकिन कितना, तकरीबन 250 किलोमीटर के करीब जो है ना कोस्ट लाइन है सिंध की, प्रोविंस सिंध की। अब सिंध को जब समंदर लगता है तो समंदर के साथ साथ हमारे पास क्या है, पोर्ट्स भी हैं, हमारे पास क्या होंगी बेटा, पोर्ट्स होंगी, बंदरगाहें होंगी। तो यहाँ सबसे बड़ी जो पोर्ट है पाकिस्तान की वो यहाँ कराची में है। कहाँ पे है बेटा, वो कराची में सबसे बड़ी पोर्ट है हमारी, जिसे हम कराची पोर्ट कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा ट्रेड कराची पोर्ट से होती है। और पूछता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह पोर्ट कौन सी है, कराची पोर्ट है। उसके बाद हमारे पास एक पोर्ट और है बिन कासिम, बना ले यहीं पे, बना ले करीब कहीं पे, बिन कासिम पोर्ट पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पोर्ट है। बिन कासिम पोर्ट यहां से भी तजारत होती है लेकिन कराची की निस्बत कम होती है। उसके बाद आप देखिए एक और यहाँ पे हमारे पास पोर्ट है ठट्टा में, इसका नाम है हमारे पास केटी बंदर। केटी बंदर के बारे में पूछता है, केटी बंदर किधर है, सिंध में है, बलोचिस्तान में है, पंजाब में है, किधर है? तो केटी बंदर सिंध में है, ये फिश हार्बर है, मछलियां पकड़ने वाली है, ज्यादा तजारत नहीं होती यहाँ से। तो इस तरह से तीन बंदरगाहें भी हमारे पास यहाँ बनेंगी। और ये देखिए यहाँ पे, ये नीचे इंडिया है और ये क्या है, ऊपर पाकिस्तान है। तो यहां से जो लाइन गुजर रही है ना बेटा, जो बॉर्डर बनाती है इंडिया और यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे कौन सा मुल्क है बेटा, इंडिया है, इंडिया का थोड़ा सा हिस्सा इधर आ रहा है, ठीक हो गया, इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है। तो यहां से जो लाइन गुजर रही है ये वाली, ये लाइन बेटा क्या है, बॉर्डर है, जिसका नाम क्या है, 24 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन पे अलग से मैं आपको एक लेक्चर दे चुका हूं, वो आप सुनिएगा। तो यहां से जो लाइन गुजर रही है उसका नाम क्या है, 24 पैरेलल लाइन, जो कि बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में 60 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ है। 24 पैरेलल लाइन की लेंथ कितनी है, तकरीबन 60 किलोमीटर है। सर क्रीक भी यहीं पे है, सर क्रीक भी बेटा यहीं पे ऐसे अंदर की तरफ घुसा हुआ है। क्रीक कहते हैं जब पानी, समुद्र का पानी इस तरह जमीन में घुस जाए जगह बना के, तो हमारे पास क्रीक हो जाएगी। इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है, क्रीक क्या होती है, गल्फ क्या होती है, बे क्या होती है, बाइट क्या होती है, ये ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है, आप सुन लीजिएगा। रन ऑफ कच्छ का मैदान भी यहीं पे है, रन ऑफ कच्छ का मैदान भी यहीं पे है, जहाँ पे जंग हुई थी 1965 के दौरान में। अब ये पूछता है कि जो है ना जी, ये जो रन ऑफ कच्छ का या सर क्रीक का जो इशू था, ये रिजॉल्व कब हुआ था? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ऐसे खाली जगह पड़ी हुई थी सर क्रीक की, तो इसमें जो है ना जी फिर इशू हुआ जब 1965 की जंग हुई, उसके बाद ज्यादा इशू हुआ। तो उसके बाद ये इशू इंटरनेशनल फोरम पे गया और इस मसले को हल किया गया 1968 में, अयूब खान साहब के दौर में। तो 10% इसमें से पाकिस्तान को मिला और 90% इंडिया को दिया गया, 90% इंडिया को दिया गया और 10% पाकिस्तान को मिला बस। 68 में ये मसला हल किया गया, अयूब खान साहब ने जो है ना जी इसके ऊपर रजिस्टर नहीं किया, वो सारा का सारा इंडिया क्लेम करके ले गया, 90% आज उसका इंडिया के पास है। तो इस तरह से जो है ना, आपको पता है 71 में फिर हमने इस पाकिस्तान भी दे दिया था। तो ये इस तरह से जो है ना मामला चले थे। तो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे कुछ चीजें और हैं जो हमने डिस्कस करनी है, जो सिंध के बारे में कमीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बेटा दो स्टेशन ही है, एक का नाम, एक स्टेशन है इसका नाम है खोखरा पार मुना बाव रेलवे स्टेशन, इसके बारे में आप जरूर देखेंगे। तो खोखरा पार बेटा हमारे पास ये बनेगा सिंध में, सिंध में, और मोना बाव है इंडिया के अंदर, मोना बाव इंडिया के राजस्थान के दरमियान में। यहां से इस तरह से एक ट्रेन जा रही है, यहां से इंडिया और सिंध के दरमियान में एक ट्रेन चला करती थी, जहां से सिंध में आपको पता बहुत बड़ी तादाद में हिंदू की जो आबादी है मौजूद है, 91% जो है ना सिंध में मुसलमान है, बाकी गैर मुस्लिम है, ज्यादातर हिंदू है यहाँ पे बड़ी तादाद में। तो इधर भी राजस्थान में भी आपको बताया हिंदू है, इंडिया ही है सारे का सारा। इन लोगों के आने जाने के लिए यहाँ पे एक ट्रेन थी, इसका नाम है क्या है, पूछता है पेपर में, खोखरा पार मोना बाव स्टेशन। मोना बाव इंडिया में है, खोखरा पार सिंध में है। इसे बाद में हालात अच्छे नहीं है आपको पता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, तो इसे फिर बंद कर दिया गया, अभी ये नहीं चल रही है। उसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे, आपको पता है सिंध में मोहनजोदड़ो के हवाले से सवाल बनते हैं, माउंट ऑफ डेड कहते हैं, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, माउंट ऑफ डेड। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ आसार मिले थे यहाँ पे हमारे पास, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसकी यहाँ पे जो है ना जी मोहनजोदड़ो में, और लड़काना आपको पता है कि जो है ना इस तरह से
ये इलाके में जो है ना, मतलब है कि एक सिविलाइजेशन मौजूद थी जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि तकरीबन 3000 BC आप कह रहे ब्रोंज एरा जो था, सबसे पहले था स्टोन एरा, पत्थर का जमाना, फिर ब्रोंज एरा आया, उसके बाद फिर आयरन एज आई, ब्रोंज एज के बाद फिर आयरन एज, फिर उसके बाद ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और बाकी चीजें थी। तो ये बेटा ब्रोंज एज जो थी उसके दौर की जो है ना जी यहाँ पे सिविलाइजेशन आबाद थी, बाद में जो खत्म हो गई, और इस तरह से जो है ना आर्यन जब आए इन्होंने आके इन्हें मारा, उसके बाद से इसके आसार खत्म हो गए। तो कहाँ पे आइए मोहनजोदड़ो, इसके बारे में सवाल बनेगा। तो मोहनजोदड़ो बेटा हमारे पास ये लाड़काना डिस्ट्रिक्ट है दरिया सिंध के करीबी, ये मौजूद है 1922 के अंदर डॉक्टर बैनर्जी साहब थे जिन्होंने खुदाई की, तो उन्हें यहाँ से कुछ असरात मिले। कब मिले, 1922 की बात है, बैनर्जी साहब थे ये इंडिया के ब्रिटिश जो थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से बेटा आपको कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद जरा माउंटेन रेंजेस के हवाले से देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक ही बड़ी माउंटेन रेंज है, देखिए मैंने आपको बताया इधर क्या है, बलूचिस्तान है, सिंध के वेस्ट में बलूचिस्तान है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है किरथर माउंटेन रेंज। किरथर माउंटेन रेंज जो है ये बॉर्डर के साथ साथ है, बॉर्डर पे सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे हमारे पास क्या है बेटा, किरथर माउंटेन रेंज है। सवाल बनता है कि सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे कौन सी माउंटेन रेंज है। तो किरथर माउंटेन रेंज है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो जरदाक पीक है। जरदाक पीक जो है ना वो 2260 मीटर इसकी हाइट है, 2260 मीटर इसकी हाइट है, इसे हम क्या कहेंगे, जरदाक पीक कहेंगे। अक्सर पूछता है जरदाक पीक इज हाईएस्ट पीक ऑफ किरथर रेंज की, ये क्या है बेटा हाईएस्ट पीक है। यहीं पे हमारे पास गोरख हिल भी है, गोरख हिल स्टेशन भी हमारे पास किरथर माउंटेन रेंज में है। गोरख हिल स्टेशन गुरु गोरखनाथ के हवाले से है ये। तो यहाँ पे जो है ना जी कहा जाता है कि ये एक सूफी सेंट थे जिन्होंने लॉर्ड शिवा का जो टेंपल था वो बनाया था, लॉर्ड शिवाजी साहब का जो टेंपल है वो उन्होंने इधर बनाया था, उस वजह से ये मशहूर हुए थे। और उसी के नाम पे गोरख हिल स्टेशन जो दादू का डिस्ट्रिक्ट है, ये दादू का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो है ना मौजूद है। इसके बारे में अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास कुछ लेक्स हैं जिनके बारे में कमीशन पूछ लेता है वो जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास मंचर लेक है, सबसे पहले हमारे पास मंचर लेक है, ये जामशोरो और दादू डिस्ट्रिक्ट, ये दादू डिस्ट्रिक्ट है, दादू के साथ ही हमारे पास यहाँ जामशोरो है। दादू डिस्ट्रिक्ट और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के क्या है जी दरमियान में मौजूद है हमारे पास मंचर लेक। मंचर लेक जो है बेटा हमारे पास ये आप इसे कह सकते हैं कि जो है ना मंचर लेक के बारे में कि ये नेचुरल कुदरती तौर पे जो है ना पाई जाने वाली लेक है, ये कहाँ पे है ये आपको बताना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद किंजर लेक है हमारे पास, किंजर लेक जो है बेटा इसे हम कलरी लेक भी कहते हैं, कलरी लेक भी कहती है, ये मैन मेड है, बाद में बनाई गई थी, ठट्ठा में है। देखिये यहाँ पे हमारे पास ठट्ठा है, ये सारा हमारे पास ये समझ लेंगे ठट्ठा है। ठट्ठा में जो है ना जी ये हमारे पास मौजूद है। तो नूरी जाम तमाची साहब का इसमें जो है ना जी आप देखेंगे कि मकबरा मौजूद है इसके इस झील के अंदर किंजर लेक में। नूरी जाम बेसिकली नूरी जो थी एक किसी मल्लाह की बेटी थी, जाम तमाची इस एरिए का जो है ना आप कह लें कि सरदार था, नवाब था या बादशाह सलामत थे, तो उन्हें मोहब्बत हो गई थी, तो इस तरह से उनकी कहानी चली। जब वो फौत हुई तो उन्हें इसी लेक के सेंटर में जो है ना जी वहीं पे दफन कर इसका मकबरा बनाया गया और अक्सर वो वहां पे बैठा करते थे। तो इस तरह से स्टोरी मशहूर है, फोक स्टोरी है ये किंजर लेक के साथ नूरी जाम तमाची की, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हलेजी लेक है हमारे पास, हलेजी लेक बेटा ये भी ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में है, पैराडाइज ऑफ वर्ल्ड कहते हैं इसे, हम परिंदों की जो है ना क्या कहते हैं जन्नत कहा जाता है इसे, और यहाँ पे मगरमच्छ भी है बड़ी तादाद में इसमें इसके ऊपर लेक के ऊपर। नेक्स्ट है जी हमारे पास शकूर लेक। शकूर लेक के बारे में पिछले दिनों सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सवाल पूछा गया था कि ये कहाँ पे है। ये बेसिकली बेटा बदीन और इंडियन गुजरात के दरमियान है, मतलब बॉर्डर पे कहीं पे मौजूद है, ये कहीं पे बॉर्डर पे मौजूद है। जब आपको बदीन नजर आ रहा है सारा नीचे की तरफ बदीन है, इधर क्या इंडियन गुजरात है, इंडियन गुजरात और बदीन के दरमियान में मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मौजूद है शकूर लेक। बस इसके बारे में यही सवाल बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है अब हम जरा देख लेते हैं डेजर्ट्स के हवाले से। तो डेजर्ट्स की जब हम बात करते हैं दुनिया का तो नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है बेटा थर डेजर्ट है हमारे पास। कौन सा डेजर्ट है बेटा, थर डेजर्ट है हमारे पास, थर डेजर्ट दुनिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और अगर देखें
तो दुनिया की रैंकिंग में दुनिया का 16वां बड़ा डेजर्ट इसे कहा जाता है। ये इंडिया का जो 40 स्थान है उसका हिस्सा है, इंडिया का 40 स्थान के साथ जाके मिलता है। तो इसे हम इसे क्या कहेंगे जी, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहेंगे। थर्ड डेजर्ट को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहेंगे। दुनिया का 16वां बड़ा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट थर डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता है। ये सारे का सारा इलाका क्या है हमारे पास, थर, थर है जी हमारे पास। सारे का सारा क्या है, थर डेजर्ट यहाँ पे मौजूद ही है। इसके अलावा आप ये देखिए नारा डेजर्ट भी यहीं पे है, खैरपुर और सांगल डिस्ट्रिक्ट के दरमियान में हमारे पास बनेगा। ये हमारे पास सांगल डेजर्ट है और खैरपुर भी यहीं पे है, मीरपुर खैरपुर सांगल और इसके दरमियान में बनता है बेटा हमारे पास नारा डेजर्ट। वो अक्सर पूछ लेता है नारा डेजर्ट को आप कह सकते हैं किसी हद तक हिस्सा है किसका, थर डेजर्ट का। उसके बाद उमरकोट के बारे में यहाँ सवाल बनता है, तो उमरकोट यहीं पे सिंध में डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अकबर बादशाह की पैदाइश हुई थी, बर्ताफ अकबर बादशाह 1542 की ये बात है, 1542 या 43 की बारे में इसमें कहा जाता है कि जो है ना यहाँ पे अकबर बादशाह की पैदाइश हुई थी, बल्कि 42 ही कर लें ये पेपर में एक दफा आया हुआ है। उमरकोट के हवाले से याद रखेंगे कहाँ पे है जी, सिंध में है ये, जहाँ पे अकबर बादशाह अकबर द ग्रेट जो था उसकी पैदाइश हुई थी। जब उसका बाप हुमायूं यहाँ से भाग रहा था शेरशाह सूरी से शिकस्त खा के, वो यहाँ पे रुका था, तो यहीं पे उसकी पैदाइश हुई थी। हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था। उसके बाद रिवर्स की बात कर लेते हैं हम, सिंध में जो रिवर्स हैं उनके हवाले से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। सिंध का सबसे बड़ा रिवर तो आपको पता है इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर है दरिया सिंध जो है देखें यहाँ से आ रहा है ऐसे। ये जो है ना पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा दरिया है, इसे क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ रिवर, अबासियन, अबासियन फादर ऑफ रिवर, नील ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दरिया नील। मेहरान रिवर भी इसी को हमने कहा था, सकरदू रिवर भी इसी को कहा था, लेक मानसरोवर से निकला था ये तिब्बत से, फिर इस तरह से जीबी से केपी से पंजाब से होता हुआ ये कश्मीर के इलाके से इंटर हो जाएगा सिंध में। तो सुबह सिंध का जो है सबसे बड़ा दरिया जो है हमारे पास वो इंडस रिवर है। तकरीबन 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, कितनी, 3180 किलोमीटर। सिंध का भी सबसे बड़ा दरिया, पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा दरिया। तो ये कहां से निकला, लेक मानसरोवर से निकला, कहां गिरता है, टट्टा के मकाम पे, अरेबियन सी में, ये डेल्टा बनाता है और समंदर में जा गिरता है। डेल्टा बनाएगा, डेल्टा का मतलब होता है कि जब दरिया आपकी मौत होने लगती है, समंदर में गिरने लगता है, तो वो शाखों में तकसीम हो जाता है और उसके बाद वो डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका माउथ क्या है, अरेबियन सी है, ठीक हो गया जी। तो उसके ऊपर थोड़े से बैराजेस के हवाले से देख लेते हैं। इसके ऊपर सिंध में सुपर सिंध क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो इस वक्त हम सुपर सिंध को ही देखेंगे। तो इसमें तीन मेजर हमारे पास क्या है जी, बैराजेस हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास यहाँ से जैसे इंटर होगा पंजाब में, तो गुड्डू बैराज होगा हमारे पास। क्या होगा बेटा, गुड्डू बैराज, गुड्डू के बैराज के बाद फिर हमारे पास सक्खर बैराज, सक्खर बैराज के बाद हमारे पास बनेगा यहाँ पे कोटरी बैराज। कोटरी बैराज हैदराबाद में बनेगा और सक्खर बैराज सक्खर में ही बनेगा, और गुड्डू बैराज ये गुड्डू का इलाका ही बनता है। कश्मीर से आगे की तरफ जाएंगे थोड़ा सा तो गुड्डू का इलाका है, तो गुड्डू बैराज। तो तीन बड़े बैराज हैं सुबह सिंध में दरियाए सिंध के ऊपर। तो सक्खर बैराज के बारे में पूछता है, ये पाकिस्तान का ओल्डेस्ट बैराज है, 1932 में बना था ये, 1932 में सवाल बनता है ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, तो सक्खर बैराज दरियाए सिंध पे है। फिर पूछता है लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है, तो वो भी हमारे पास सक्खर बैराज ही होगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा भी और पाकिस्तान का सबसे पुराना भी। कब बना, 1932 में बना था। लॉयल्ड बैराज भी कहते हैं इसे, लॉयल्ड बैराज भी इसका दूसरा नाम है, लॉयल्ड बैराज। इसी तरह से हैदराबाद के अंदर हमारे पास कोटरी बैराज है, कोटरी बैराज को हम गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहते हैं, इसके बारे में यही सवाल बनता है इसका दूसरा नाम क्या है, तो गुलाम मोहम्मद बैराज भी इसे हम कहेंगे। तो ये हमारे पास था बेटा इंडस रिवर। इसके अलावा लियारी रिवर है कराची में, यहाँ से गुजर है कराची के पास से, और फिर मलीर रिवर भी है इस तरह से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये कराची के एरिया में बनते हैं सुबह सिंध में। उसके बाद हब, अच्छा हब रिवर के बारे में नहीं, इसे हमें बलोचिस्तान में काउंट करना चाहिए क्योंकि ये इधर से आता है हब से, और ऐसे कराची और जो है ना जी सिंध और इसके दरमियान में बलोचिस्तान बॉर्डर बनाता हुआ निकल जाता है, गिरता जा रहा, तो इसे हम काउंट करेंगे बलोचिस्तान में। तो यहाँ पे हम एक और दरिया काउंट कर लेते, इसका नाम है नए गंज रिवर, नए गंज रिवर। ऐसे यहाँ से ऊपर छोटा सा दरिया आ रहा है और जो है ना जी ये जाके कहीं गिरता है, मेरे ख्याल से दरिया सिंध में शायद गिरता है जाके, नए गज रिवर। नए गज रिवर के हवाले से आता है कि इसके ऊपर डैम भी बन रहा है, नए गज डैम के नाम से पिछले दिनों सवाल पूछा गया था पीपीएससी में कि नए गज जो डैम है ये किधर बन रहा है, तो ये सिंध में नए गज रिवर के ऊपर बन रहा है। तो इस तरह से चार
इनके बड़े दरिया हैं जिनके बारे में सवाल पूछता कि सिंध के कितने दरिया हैं जी, चार हैं। पूरे पाकिस्तान के कितने हैं, 24 हैं। पांच पंजाब के हैं, चार सिंध के हैं, सात बलोचिस्तान के, आठ के पी के हैं। टोटल हमारे पास जो दरिया हैं मेन जो मतलब जिन्हें हम काउंट करते हैं वो 24 हैं। आगे चलते हैं जी। उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसा कि हमारे पास रानीकोट फोर्ट है। रानीकोट फोर्ट को दुनिया की सबसे बड़ी फोर्ट भी कहा जाता है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तो है ही है ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फोर्ट तकरीबन 32 किलोमीटर इसका जो है ना जी एरिया है, और जो है ना इसे ग्रेट वॉल ऑफ सिंध कहते हैं। जिस तरह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वैसे ये मैंने आपको मैप में दिखाने की कोशिश की है। ये सामने आपको नजर आ रही है, ये वाली इस तरह से वो जा रही है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह जो है ना जी ये है हमारे पास। क्या कहेंगे हम, ग्रेट वॉल ऑफ सिंध कहेंगे। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है बेटा ये, कहाँ पे है, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है। तालपुर डायनेस्टी के दौरान में इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, पहले से मौजूद है ये। इसके बारे में मुख्तलिफ जो है ना जी थ्योरीज है जी, फला दौर में बनी, फला दौर में बनी। तालपुर डायनेस्टी में इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया और इसे फंक्शनल किया गया था। उसके बाद हमारे पास जामिया मस्जिद ठट्ठा है, इसके हवाले से सवाल बनता है। जामिया मस्जिद ठट्ठा जो है ना जी 1659 में जाके मुकम्मल हुई थी, शाहजहां ने ये बनवाई थी, ये आपको नजर आ रही है। तो ये जो है ना जी इसके बारे में अक्सर पूछ लेता है, जामिया मस्जिद ठट्ठा जो है किसने बनवाई, शाहजहां ने बनवाई थी, 1659 में जाके बनी थी। काम इस पर पहले शुरू हो गया था, शाहजहां ने शुरू करवा दिया था, शाहजहां को मंजूर कर दिया था ना उसके बेटे ने, 1658 में उसे हटा दिया था और उसके बाद हुकूमत संभाल ली थी खुद ने, इसरे औरंगजेब आलमगीर ने। ठीक हो गया जी। आगे है जी हमारे पास मक्कली ग्रेव यार्ड के हवाले से सवाल बनता है कि मक्कली ग्रेव यार्ड जो है ना जी क्या है जी। यहाँ पे हिस्टोरिकल ग्रेव यार्ड है, मतलब तारीखी तौर पे पुरानी आप कह सकते हैं। तो बहुत सारे जो है ना जी सूफी सेठ और जो है ना जी स्कॉलर जो है ना यहाँ पे दफन है। तो ये कहाँ पे है मक्कली, ये भी ठट्ठा में है बेटा, ये भी कहाँ पे है हमारे पास, ठट्ठा में आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास कायदे आजम मोहम्मद अली जिना साहब का मजार भी तो कराची में है ना, सिंध में ही है ना। तो मोहम्मद अली जिना साहब जो है इनकी बर्थ हुई थी बेटा 25 दिसंबर 1876 को ही, 25 दिसंबर की डेट याद रखिएगा, कराची में हुई थी। कहाँ पे पैदा हुए थे, कराची में, सिंध में पैदा हुए थे। कहाँ पे, वजीर मेंशन में। वजीर मेंशन उस जगह का नाम है जहाँ पे जिना साहब की बर्थ हुई थी, जिना साहब की पैदाइश हुई थी, डेथ जो हुई थी जिना साहब की वो भी कराची में हुई और कराची में ही दफन है। ये मजार कायद है बेटा, सामने आपको नजर आ रहा है। तो उसके बाद हमारे पास लियाकत अली खान साहब जो है पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर, वो भी यहीं पे दफन है, मजार कायद पे दफन है। उन्हें गोली तो रावलपिंडी में मारी गई थी ना 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में उन्हें शहीद किया गया था, लेकिन उन्हें दफन यहीं पे किया गया है। पेपर में पूछ लिया जाए लियाकत अली खान साहब कहाँ दफन है, तो आप याद रखेंगे कहाँ दफन है जी, मजार कायद पे जिना साहब के साथ दफन है। नेक्स्ट हम जरा सूफी सेंट है कुछ उनके बारे में देख लेते हैं। सूफी जो हमारे हैं लाल शाहबाज कलंदर साहब है जी, उनका असल नाम उस्मान मुरवंदी साहब था। ये सवाल अक्सर बनता है कि लाल शाहबाज कलंदर साहब का असल नाम क्या था, उस्मान मुरवंदी साहब था। मरवंद ईरान का इलाका है ये, वहां से ये तशरीफ लाए थे। ये जो गौरी था, गौरी के दौर में जो है ना बनता है इनका, गौरी के बाद सलेब डायनेस्टी, तो उस दौर में ये इधर आए थे। तो ये जो है ना जी जिनका ताल्लुक कौन से सिलसिला से है, ऑर्डर कौन सा है इनका, तो सुरवर्दिया है बेटा। ये सवाल भी बनाया बहुत दफा, सुरवर्दिया ऑर्डर से इनका ताल्लुक है। असल नाम इनका उस्मान मुरवंदी है, लाल शाहबाज कलंदर साहब के नाम से ये मशहूर हुए। सेवन शरीफ में इनका मजार है। सेवन शरीफ की तरह बाप बेटा जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है, सेवन शरीफ की तरह जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है। ये आप जरा याद रखिए बेटा, ये वो सवाल है जो बार बार रिपीट हुए, जो हर एक एग्जाम में रिपीट होने हैं। उसके बाद जो है ना हमारे पास अब्दुल शाह अब्दुल लतीफ भटाई साहब है जी, इनके बारे में अक्सर सवाल बनता है। बिट शरीफ के रहने वाले थे ये, तो इनका जो सबसे मशहूर काम है वो शाजो रिसालो है, उनकी जो किताब है शाजो रिसालो, तो ये शायरी पे और जो है ना जी उस पर मुश्तमिल है, बड़ी जबरदस्त बुक है। तो ये बेटा कहाँ पे दफन है जी, बिट शाह में, मिटियारी डिस्ट्रिक्ट है। पिछले दिनों असिस्टेंट एंटी करप्शन का एग्जाम हुआ है मेरे ख्याल से इसका, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें सवाल ये पूछा गया था कि जो बिट, ये जो हमारे पास शाह अब्दुल लतीफ भटाई साहब है, ये कहाँ पे जो है दफन है, तो ये मिटियारी डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट कौन से में है, तो मिटियारी डिस्ट्रिक्ट है बेटा ये, बिट शाह उस जगह का नाम है। शाजो रिसालो की वजह से ये मशहूर हुए थे, ये मतलब सिंधी सूफी शायर थे बड़े जबरदस्त किस्म के। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी, हम एक और पर्सनैलिटी के बारे में जरा देख लेते हैं। ये आपने तस्वीर देखी होगी जरूर, अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का जो मजार है बेटा ये कराची में है। बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी, इसलिए कि कब इनका असल जो नाम था वो था अब्दुल्ला अल अशतर,
अब्दुल्ला अल अश्तर इनका असल नाम था, लेकिन अब्दुल्ला शाह गाजी के नाम से ये मशहूर हुए। बेटा ये इनके जो वालिद है ना, वो उनका नाम याद रखिएगा, इनके वालिद का नाम है मोहम्मद अल नफस अल जिक्रिया, बड़ा जबरदस्त नाम। ये आगे जाके मिलेंगे हजरत फातिमा के साथ, इनका सिलसिला नबी पाक की बेटी हजरत फातिमा के साथ सिलसिला जाके मिलता है। तो ये वो शख्स थे जिन्होंने उमवियों के खिलाफ बगावत की थी, जहाद किया था, उनके खिलाफ लड़े थे, उनकी हुकूमत को जो डायनेस्टी थी उसे खत्म करने में बहुत बड़ा रोल इनका था। तो ये उनके बेटे थे। ये कहा जाता है कि जब अरबों ने हमला किया हिंदुस्तान पर, तो उनके साथ ही आए थे और कराची में आबाद हुए आके। तो इनकी बर्थ 720 में हुई थी, याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने आपको बता दिया, मदीना में ये पैदा हुए थे सऊदी अरब में, और 773 में ये फौत हुए, कहाँ पे, कराची में, और कराची में ही दफन है। तो ये जो है ना जी, इनके बारे में ज्यादा सवाल यही पड़ेगा कि अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का जो मजार है वो किधर है जी, कराची में है, कहाँ पे है कराची, मैक्सिमम ये सवाल बनेगा। बस ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको ये याद रह जाए। अब जरा हम पोलिटिकल यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई रिसेंटली, जो गवर्नमेंट बनी वो जरा देख लेते हैं। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है गवर्नमेंट का, तो इलेक्शन हुए हैं रिसेंटली सिंध में, तो 29वें चीफ मिनिस्टर बने हैं बेटा कौन, मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब जो है ये क्या बने हैं जी, 29वें चीफ मिनिस्टर सीएम बने हैं सिंध के। पहले भी यही थे, 2018 में भी यही बने थे, उससे पहले भी इन्होंने कायम अली शाह के बाद 2 साल गुजारे, 2016 में ये आए थे। तो ये इन्होंने 27 फरवरी को हलफ उठाया बेटा, ये डेट भी याद रखिएगा, 27 फरवरी को इन्होंने हलफ उठाया। 29वां जो है ना ये चीफ मिनिस्टर था बना है किसका, सिंध का। इनके वाले साहब थे सैयद अब्दुल्ला अली शाह, ये भी सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे थे। ये सवाल बन सकता है आपका, सैयद अब्दुल्ला अली शाह साहब थे 1993 से 1996 तक ये भी सिंध के सीएम रहे थे। टोटल जो सीट्स हैं सिंध की बेटा वो 168 है, 168 जो है ना सीट है टोटल सिंध की, इसमें से 9 जो है ना ये मिनॉरिटी कोटा की है, 29 वोमेन के लिए मुख्तस है, 130 ओपन मेरिट के। मिनॉरिटीज कोटा और वोमेन कोटा जरूर याद रखिएगा, और जनरल सीट्स भी। ये पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली की बात कर रहा हूं मैं। पहले सीएम सिंध के पूछे जा सकते हैं आपसे, तो गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला साहब थे जी, गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला साहब थे 1937 से लेकर 38 तक, क्योंकि सिंध जो है बेटा याद रखिएगा 1935 के एक्ट में इसे अलग कर दिया गया बंबई से। लेकिन ये परमानेंट मेंबर था, आप कैसे 1936 में सवाल आ जाएगा सिंध को कब अलग किया गया प्रैक्टिकली, 1936 के अंदर इसे अलग किया गया था, एक्ट में उन्होंने कह दिया था कि जी अलग कर रहे हैं 35 के एक्ट में, लेकिन उस एक्ट पे इंप्लीमेंट होते हुए टाइम लगा ना। सवाल आ जाए कि कब सिंध अलग हुआ बंबई से, या बंबई कब अलग हुआ सिंध से, 1936 के अंदर जो है ना आप कह सकते हैं कि ये बंबई से अलग इसे सूबा बना दिया गया। तो 36-37 में इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बनी थी, जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सीएम बने थे वो सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला साहब बने थे जी। आगे चलते हैं जी, अब जरा थोड़ा सा असेंबली के हवाले से देख लेते हैं। इसमें आप देखें जो करंट स्पीकर बने हैं सिंध असेंबली के, वो कौन बने जी, अवेश कादर शाह साहब बने हैं, अवेश कादर शाह साहब बने हैं जी ये स्पीकर सिंध असेंबली के, और डिप्टी स्पीकर बने हैं जी एंथनी नवीद। एंथनी नवीद साहब जो है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, मिनोरिटी कोटा की सीट पे है। तो इसे बड़ी जबरदस्त बात है कि सिंध वालों ने जो है ना रिवायत बरकरार रखी है कि वो मिनोरिटीज का ख्याल रखती हैं। तो डिप्टी स्पीकर का जो सीट है वो एंथनी नवीद साहब को दी गई है। तो ये भारी अक्सरियत से डिप्टी स्पीकर सिंध के जो है ना अलेक्ट हुए हैं। तो ये जरूर सवाल बनेगा, पहले जो है ना जी आप कह लेंगे क्रिश्चियन जो बने हैं या गैर मुस्लिम जो डिप्टी स्पीकर बना है सिंध असेंबली का, उसका नाम क्या है, ये सवाल आपने याद रखना है। गवर्नर जो है इस वक्त सिंध के वो कौन है जी, कामरान टसूरी साहब है। कौन है जी, कामरान टसूरी साहब है। ये शायद चेंज हो जाए आगे चल के, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बन रही है। आई जी सिंध जो है ये हमारे पास रिफत मुख्तार साहब है इस वक्त, हो सकता है ये भी आगे चल के चेंज हो जाए। तो ये दोनों आपने वक्त के साथ साथ चेक कर लेने हैं। ये तो चलेंगे ना, अभी 5 साल बाकी जो है। ये जो है ना ये जो आईजी होता है, गवर्नर होता है, चीफ जस्टिस होता है, ये चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। तो इन्हें आपने काउंटर चेक कर लेना है, जब भी आप मेरा लेक्चर सुन आते 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, हो सकता है ये ना हो, तो ये जरूर आपने चेक करने हैं। चीफ जस्टिस जो इस वक्त है वो हमारे पास जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब है जी। अकील अहमद अब्बासी साहब इस वक्त क्या है जी, सिंध के चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के। तो ये आपका सिंध प्रोविंस के हवाले से एक कंप्लीट लेक्चर था,
उम्मीद करता हूं आपको मैं समझा पाया हूँ यहाँ से कमीशन कौन कौन से सवाल पूछता है। हमारा काम इस तरह से, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि पूरी एक टीम बैठती है, स्लाइड में मुझे खुद सेट करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है कि कमीशन किस तरह से कौन सा सवाल पूछ रहा है, तो एक मेहनत लगती है, पूरी एक टीम बैठी हुई है, उसके बाद फिर यहाँ आके आपको एक्सप्लेन करके सेटिंग करके आप तक प्रोवाइड करना, तो हमारा जो फर्ज है हम तो अदा कर रहे हैं, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।